कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, रेलवे भी एक बार फिर सामने आ गया है। पहले भी रेलवे ने आइसोलेशन की एक ट्रेन तैयार की थी जिसमें कई सारे कोच थे, इस तरह से ये दोबारा एक और कोच उन्होंने तैयार किया है। हम इस कोच को भी अंदर से दिखाएंगे, यह एक कोच है। हालांकि इस तरह के करीब 22 कोच रेलवे ने तैयार किए हैं जिनके अंदर सभी मेडिकल सुविधाएं उन्होंने बनाई है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से, देखिए मरीजों को रखने के लिए बेडशीट लगा दी गई है और जो मेडिकल बायोवेस्ट है उसके अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। मरीजों को यहाँ लेटाया जाएगा, हवा पानी का पूरा इंतजाम इस ट्रेन में किया गया है। इसके साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के लिए भी जगह बनाई गई है ताकि मरीजों को ऑक्सीजन की कमी हो तो ऑक्सीजन उपलब्ध करा दी जाए। इस तरह से जाली लगाकर जो पॉलीथीन का वो दिया है ताकि वायरस से जो इन्फेक्टेड एक दूसरे मरीज नहीं हो, इन मरीजों को इस तरह से रखा जाए, इस तरह की व्यवस्था रेलवे ने की है। साथ ही इस पूरे कोच को ऊपर से भी कवर किया गया है, यहाँ पर ऊपर से ठंडक इसमें बनी रहे क्योंकि गर्मी काफ़ी है, 40 डिग्री के आसपास अभी तापमान चल रहा है और पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जाए ऐसी व्यवस्था है। ये पूरा कोच, पूरी जो आइसोलेशन ट्रेन है काफ़ी लंबी है, पूरी 23 कोच हैं, 20 कोच आइसोलेशन के हैं जिनके अनुसार 320 मरीजों को यहाँ पर रखा जा सकता है। और कूलर्स भी यहाँ पर लगाए जाएंगे, जो खिड़कियाँ हैं इनको बाहर से कवर कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह का मच्छर या कीड़े अंदर नहीं जाएं, हवा मरीजों को पूरी तरह से मिलती रहे। और जब एक बार इसमें मरीजों को रखना शुरू कर दिया जाएगा तब से प्लेटफॉर्म नंबर 4 है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, किसी तरह की कोई लोगों की आवाजाही यहाँ पर नहीं होने दी जाएगी। इस कोच को जो ऐसे 22 कोचों को तैयार किया गया है, हमारे साथ SD धाकड़ जी हैं जिनसे जानेंगे कि कितना समय उन्हें इसे तैयार करने में लगा है और किस तरह से ये कोच पूरे तैयार हुए हैं। सर कितना समय लगा है? मंडल रेल प्रबंधक कोटा द्वारा यांत्रिक विभाग को ये टारगेट दिया था लगभग 15 दिन पहले, ओम बिरला जी के डिमांड पर ये हमें 32 कोच तैयार करने हैं आइसोलेशन के लिए, क्योंकि शहर में अभी कोटा में मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है जिसके कारण हो सकता है इनकी आवश्यकता पड़े। पिछली बार भी बनाए थे और यहाँ से हमने आनंद विहार भी 22 कोच भेजे थे, तो उसी तर्ज पर इस बार भी हमने काम शुरू किया और हम पिछले 15 दिन से लगातार इन कोचों में काम कर रहे हैं। इसमें आज हमने 20 कोच तैयार करके और दे दिए हैं यांत्रिक विभाग की तरफ से। इस बार हमने खास तौर से ये ध्यान रखा है कि जो टेम्परेचर अभी वातावरण का बढ़ रहा है तो इसके कारण कोचेज गर्म नहीं हो, तो हमने छत पर जो है ये जुट डला है और जुट के ऊपर लगातार पानी का स्प्रे होता रहेगा जिससे कूलिंग होती रहेगी। साथ ही साथ मच्छरों से बचाव के लिए पूरी मच्छर जाली लगाई है जो कि पूरी तरह से सील्ड कर दी गई है। प्रत्येक कोच में एक बाथरूम है, बाथरूम के अंदर जो टेप हैं वो आसानी से खुलने वाले लगाए गए हैं, शावर भी है, एक बाल्टी मग्गा और पट्टा उसमें रखा हुआ है। हर केबिन के अंदर, इसके अंदर एक कोच में लगभग हम 16 मरीजों को आइसोलेट कर सकते हैं आमने सामने की सीटों पर। एक केबिन डॉक्टर्स या स्टाफ, मेडिकल स्टाफ के लिए बनाई है जिसमें पर्दे वगैरह लगे हैं, जो प्लास्टिक के पर्दे जैसे हॉस्पिटल में होते हैं वो लगे हैं। और हर केबिन के अंदर 3-3 हमने डस्टबिन रखी है अलग अलग कलर की, जो अलग अलग मेडिकल वेस्ट के लिए यूज की जाएंगी, उनके अंदर हमने काली पन्नियाँ भी रखी हैं। और साथ में सभी जो सीट हैं उनके ऊपर बेडशीट और पिलो कवर लगाए गए हैं। हर केबिन में 2-2 कोट हुक हैं जिनमें 6-6 वो हैं पिन हैं, तो कभी बोतल वगैरह लटकाने के लिए आवश्यकता हो। और साथ में 3 जो है बोतल होल्डर्स भी लगाए हैं मरीजों को पानी वानी पीने के लिए। और इस पूरे रैक में हमें जैसा मंडल रेल प्रबंधक ने निर्देशित किया था 3 AC कोच भी लगाए हैं जो कि मेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स जो यहाँ पर रहेंगे, जो टेक ओवर करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के आकर के, उनके लिए यहाँ लगाए, एक बीच में है और 2 आगे पीछे सुविधा के लिए लगाए गए हैं। देखिए साफ तौर पर धाकड़ जी का कहना है कि काफ़ी सुविधाएं इसमें की गई है, लेकिन एक खास बात इस बार और है, कूलर भी इस बार आप लगाने जा रहे हैं। हाँ, हम कूलर भी लगाएंगे इन पे, हर कोच में लगभग 8 कूलर लगाए जाएंगे और उनमें लगातार पानी की व्यवस्था भी होगी। ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हमारा इसको करेगा। आज DRM साहब अभी आएंगे देखने के लिए, जो भी आगे वो निर्देश देंगे उसके अनुसार हम काम करेंगे।
ये साफ तौर पर इनका कहना है कि अभी DRM इसका निरीक्षण करेंगे, उसके बाद वे कुछ और इसमें कमियां बताते हैं, उस हिसाब से भी ट्रेन को तैयार किया जाएगा। पूरी ये आइसोलेशन ट्रेन है। इसके राकर साहब एक चीज़ और हम इसमें समझना चाहते हैं, ये ट्रेन आपने तैयार की है तो अब इसका ऑपरेशन कौन करेगा? एक्चुअली प्रिपरेशन तक तो रेलवे है, इसके बाद में आपको मालूम ही है कि कोविड का सारा की सारा जो भी देखभाल है मरीजों की या हॉस्पिटल्स की, सब टेक ओवर हमारा रेलवे हॉस्पिटल भी स्टेट गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि रेलवे इससे कंसर्न नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की नोडल ऑफिसर्स, नोडल अधिकारी ही यहाँ पर आकर के टेक ओवर करेंगे, वही मेडिकल की सुविधाएँ, डॉक्टर्स वगैरह सारा वही प्रदान करेंगे। रेलवे तो ये कर सकती है, जो संसाधन उसके पास में उपलब्ध हैं वो उनको देने के लिए, जैसे पिछली बार पूरे ऑक्सीजन सिलेंडर्स रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए थे मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा, और ट्रॉली भी थी, आनंद विहार गई थी, तो हो सकता है ये प्लानिंग की हो, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। देखिए साफ तौर पर इनका कहना है कि रेलवे ही इसको आइसोलेशन कोच को तैयार कर दिया है, अब इसको ऑपरेशनल के लिए राजस्थान सरकार को सौंप दिया जाएगा ताकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसमें ऑपरेशन करें और मरीजों की भर्ती हो। हालांकि अभी मरीजों की संख्या कोटा में कम हो रही है, लेकिन वापस अगर संख्या बढ़ती है तो इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। मनीष गौतम, ETV भारत, कोटा।